यहां पर महिला या कोई लड़की रात को 8 बजे के बाद हमें घूमते हुए दिखाई देती है तो हम उसके चरित्र चित्रण कर देते हैं। वहीं पर लड़का यदि 8 बजे के बाद हमें घूमते हुए दिखाई देता है तो उसका चरित्र चित्रण नहीं होता है। हर एक चीज में हमने महिला को अपने सम्मान के साथ जोड़कर उसको 4 दीवारी में बंद करने का कार्य किया। सती अनसुईया, सती द्रौपदी, सती अहिल्या, जबकि ये जो महिलाएं हैं इन्होंने ये कभी भी अपने पति के साथ में यहां पर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। राम मोहन राय को सती प्रथा बंद करने का जो विचार है, जो जुनून है, वो कैसे आया? जय हिंद। आज का जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो संभवतः समाज की रूढ़ियों ने या कहें कि समाज के लोगों ने उसे इस रूप में प्रस्तुत किया है जहां महिला की गरिमा को तार तार कर दिया है। वो टॉपिक है सती। सती शब्द सामने आते ही हमारे दिमाग में सीधे सी बात आती है कि ऐसी महिला जिसके पति के मरने के बाद में उसे उसके पति के साथ ही जला दिया जाए। लेकिन ये जो सती शब्द लोगों ने यहां पर इस रूप में गढ़ना शुरू कर दिया, इसे परिभाषित करना शुरू कर दिया, ये सती शब्द इस रूप में नहीं था। सती जिसका यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सच्चरित नारी, पवित्र नारी, इसका वास्तविक अर्थ होता है। यहां पर उस महिला को सती नहीं कहा जाता था जो अपने पति के साथ में मृत्यु को चली गई हो। यहां पर सती उसको कहते थे जो कि यहां पर अपनी पवित्रता के साथ में अपने जीवन यापन करती थी। इसीलिए आपने कई बार नाम सुना होगा सती अनसुईया, सती द्रौपदी, सती अहिल्या, जबकि ये जो महिलाएं हैं इन्होंने ये कभी भी अपने पति के साथ में यहां पर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई है। तो सीधा सा अर्थ क्या निकला सती का, कि सती का अर्थ मतलब पवित्र नारी। इस सती को लेकर हम क्रम बाई क्रम बात करेंगे। क्रम बाई क्रम का मतलब है कि हम प्राचीन काल से स्टार्ट करते हैं इसको और प्राचीन काल से लेकर हम आधुनिक काल तक इस प्रथा के बारे में यहां पर बात करेंगे। पौराणिक आधारों पर यदि उठा के देखा जाए तो हमें यहां पर इस शब्द की उत्पत्ति दिखाई देती है देवी सती से। देवी सती जो कि आपको पता ही है शंकर जी की पत्नी थी, सती राजा दक्ष की पुत्री थी। तो यहां पर कुछ लोगों ने इस शब्द को वहां से जोड़ लिया है, जबकि यह आपको सबको ज्ञात है कि राजा दक्ष के दरबार में यहां पर शंकर जी का जब अपमान हुआ था उस अपमान को देवी सती नहीं सह पाई और उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। तो उन्होंने उनके अपमान को न सह पाने के कारण आत्मदाह किया था, ना कि यहां पर पति की मृत्यु के बाद आत्मदाह किया। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर राजा पांडु की पत्नी माद्री से लगाते हैं कि वो सती हो गई थी भाई यहां पर। लेकिन आपको भी जानकारी होगी कि राजा पांडु को ऋषि ने श्राप दिया था और ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर आप कभी भी किसी भी महिला के साथ में संसर्ग करोगे तो ऐसी स्थिति में आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहां पर राजा पांडु अपनी जो पत्नी माद्री थी उनके साथ जब कर रहे थे तो माद्री अपने आप को रोक नहीं पाई, जबकि माद्री को जानकारी थी कि इनको ऐसा श्राप मिला है। तो राजा पांडु की मृत्यु के बाद में उनके अंदर इतनी आत्मग्लानी हुई कि ऐसी आत्मग्लानी को सह नहीं पाई और राजा पांडु के साथ उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इसके बाद हम आए थोड़ा वेदों की वो बात करें तो हमारे 4 वेद हैं। हमारे 4 वेदों में यहां पर इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिलती है। हां वैदिक काल में एक हमें जानकारी अवश्य मिलती है प्रतीकात्मक आत्मदाह के रूप में, प्रतीकात्मक सती के रूप में। यहां पर रोमिला थापर जी एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि उस जमाने में एक प्रथा की जानकारी मिलती है कि जो जातियां थी, जातियां जब आने लगी तो ऐसी स्थिति में होता यह था कि पति की मृत्यु के बाद में यहां पर जो महिला थी, महिला यहां पर अपने पति के चारों तरफ यानी पति के जहां शव जलने वाला होता था वहां पत्नी भी पहुंच जाती थी और पत्नी यहां पर अपने पति के शव के चारों तरफ परिक्रमा लेती थी और परिक्रमा लेते हुए वो कहती थी कि क्या यहां पर समाज का कोई भी व्यक्ति यानी चाहे शिक्षित वर्ग की बात करें किसी की भी बात करें अगर वो यहां पर उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है
तो ऐसी स्थिति में यहां पर वो उनके साथ चलने को तैयार है, मतलब ऐसे 7 चक्कर लेती थी वो, 7 फेरे लेकर वो अपने पति के जीवन में आती थी और 7 फेरे लेकर ही वो अपनी सच्चरित्रता का उदाहरण भी प्रस्तुत करती थी। जैसे उसने अगर एक परिक्रमा लिया तो अपने परिवारजनों से बात करेगी कि क्या आप मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, अगर परिवार के लोगों ने कहा कि ठीक है हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो उनके साथ चली जाती थी। अपने पति के देवर के यानी पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर लेगी या उनके परिवार में जाकर अपना जीवन यापन करती थी, ये काम होता था। दूसरा फेरा लेगी तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो समाज का धनाढ्य वर्ग होगा, आचार वर्ग होगा, ऐसे लोगों के साथ में अपनी बातचीत करती रहेगी। 7वां फेरा लेगी तो ऐसी स्थिति में पुरोहित वर्ग को बोलेगी क्या आप हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, अगर उसने नहीं लिया तो वो महिला मंदिर में ही जाकर अपना जीवन यापन करती थी और यहां का जो समाज था उसे पवित्र मान लेता था। इस प्रकार से यहां पर उसको सती कहने लग जाते थे। ये विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। कुछ समय पश्चात होने क्या लगा कि यहां पर वो महिला अपने पति के साथ में शव पर बैठ जाती थी और यहां पर उसके परिवार का यानी पति के परिवार का कोई व्यक्ति सामने आता और उसके सामने हाथ जोड़कर कहता था कि हमें आपके हमारे परिवार को आपकी बहुत आवश्यकता है और आप हमारे परिवार के साथ में यहां पर अपना जीवन यापन करिए, आप अपने पति के साथ मत जाइए। वो महिला अपने पति के शव से नीचे उतर के आती थी और अपने परिवार के साथ में वापस जाके अपना पूरा जीवन यापन करती थी, उसको भी सती कहते थे। लेकिन धीमे धीमे यहां पर ये क्रूरतियां आगे बढ़ती चली गई। यहां पर हमें सती प्रथा का पहला अवलेख मिलता है 510 ईस्वी का एरन अवलेख। 510 ईस्वी का एरन अवलेख भारतीय इतिहास में सती प्रथा का पहला अवलेख है जिससे हमें लिखित जानकारी मिलती है कि भानुगुप्त के शासनकाल में उनका एक सामन था गोपराज जो हूणों के साथ युद्ध करते समय मारा गया। तो ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी थी गोपिका बाई, गोपी बाई कह सकते हैं, उनकी जो पत्नी थी वो अपने पति के साथ में जल गई थी। यह हमें भारतीय इतिहास में पहला अवलेख मिला है। इसके बाद यदि उठा के और हम इतिहास को खंगालें तो हमें पता चलता है कि जब भारत में विदेशों के आक्रमण शुरू हो गए तो ऐसी स्थिति में युद्ध में यहां पर पुरुष मर जाते थे तो उनके मरने के बाद में महिलाएं अपने स्वयं के जीवन की रक्षा करने के लिए यहां पर उन्होंने अपने पति के साथ प्राण देना शुरू कर दिए। राजपूतों में इससे बढ़के थोड़ी सी एक नई प्रथा का आगमन होता है, जौहर प्रथा। सती प्रथा जौहर प्रथा में यही अंतर है कि सती में यहां पर महिला अपने पति के साथ में शव के साथ जल जाती थी और जौहर प्रथा में यहां पर महिलाएं अपने स्वयं के सम्मान की रक्षा करने के लिए यहां पर किसी अग्निकुंड में एक साथ जल के मर जाती थी, उनको कहते थे जौहर। हम तो आप सोचिए, एक तरफ सिर्फ एक महिला अपने स्वयं के सम्मान के लिए, एक तरफ एक महिला अपने समाज अपने कहना चाहिए कि स्त्री धन की सुरक्षा करने के लिए, अपने वंश की सुरक्षा करने के लिए जौहर कर लेती थी। क्योंकि हमारे समाज ने, यदि हम बोले पुरुष प्रधान समाज ने, महिला को हमेशा सम्मान के साथ जोड़ा है, महिला को हमेशा सम्मान के साथ जोड़कर यहां पर उनको दबाने का प्रयास किया है हर एक चीज में। आप सोचिए कि अगर यहां पर महिला या कोई लड़की रात को 8 बजे के बाद हमें घूमते हुए दिखाई देती है तो हम उसके चरित्र चित्रण कर देते हैं। वहीं पर लड़का यदि 8 बजे के बाद हमें घूमते हुए दिखाई देता है तो उसका चरित्र चित्रण नहीं होता है, हम उसके लिए यही कहते हैं कि भाई बहुत व्यस्त है, बहुत काम करता है, रात को 10, 11, 12 बजे तक भी घर लौट के नहीं आता। हर एक चीज में हमने महिला को अपने सम्मान के साथ जोड़कर उसको 4 दीवारी में बंद करने का कार्य किया और यदि पति ना रहे तो ऐसी स्थिति में धीमे धीमे हमने उस महिला को उसके पति के साथ ही यहां पर जलने के लिए बाध्य किया। हमने कह दिया कि यहां पर धर्म के आधार पर यदि बात की जाए तो यह कहने का आधार यही था कि यहां पर कहा गया कि पत्नी का, स्त्री का वास्तविक धर्म ही है कि जब तक उसका पति रहे तब तक वो अपने पति की सेवा करे और जैसे ही पति की मृत्यु हो अपने पति के साथ जलकर मर जाए। धीमे धीमे हमने महिलाओं को यहां पर शारीरिक आधार पर तो उनको उनके ऊपर शासन करने का प्रयास यही किया है, हमने आगे जाकर धर्म के आधार पर ही उनके ऊपर शासन करने का प्रयास किया और धीमे से धर्म की ये बेड़ियां हमने बांध दी सती के रूप में। ये सती प्रथा
सल्तनत काल में देखें तो हमारे इब्ने बत्ता मोरक्को के जो इतिहासकार हैं या कह सकते हैं कि जो यात्री थे, उन्होंने भी इस प्रथा का उल्लेख किया है। कुछ इतिहास की जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। आगे हुमायूं, अकबर, इन्होंने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। अकबर ने तो यहां पर एक नियम बना दिया था कि चलो ठीक है, हम सती प्रथा को पूरी रूप से प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अकबर ने यह कह दिया था कि अगर कोई भी महिला सती होती है तो उससे पहले शहर कोतवाल से लिखित अनुमति लेनी होगी। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक रोड़ा तो अटकाया गया। अब आप सोचिए कि मुगल शासकों ने भी इस प्रथा को कितना बुरा माना, जबकि हमारा समाज इस प्रथा को यहां पर आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ था। औरंगजेब जैसा एक कट्टर मुस्लिम शासक ने भी यहां पर सती प्रथा जैसी कुरीति को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। यह अलग बात है कि यह शासक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके, क्योंकि उस समय पर धर्म को बहुत ऊंचा माना जाता था। धीमे धीमे ये चीजें कुरीतियां चलती चली गई, लेकिन इस कुरीति को यहां पर बहुत हद तक प्रतिबंधित करने में सफलता प्राप्त की राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय जो शायद सती प्रथा और राममोहन राय दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जैसे ही राममोहन राय का नाम आता है, हम समझ जाते हैं कि सती प्रथा की बातें की जा रही है। लेकिन राममोहन राय को सती प्रथा बंद करने का जो विचार है, जो जुनून है, वो कैसे आया? ये जुनून और ये विचार ये उस समय आया जब उनकी भाभी को लोगों ने जबरदस्ती यहां पर सती कर दिया था। उनकी भाभी चिल्ला रही हैं, उनकी भाभी यहां पर उस चीज को मना कर रहे हैं, और राममोहन राय अपनी भाभी को मां समान मानते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि यहां पर ये किस प्रकार का समाज है जो इंसान को यहां पर जीने का हक नहीं दे रहा है। क्या स्त्री यहां पर सिर्फ एक पति के सम्मान का एक आधार बन के बैठी हुई है? क्या स्त्री की कोई ख्वाहिशें नहीं है? क्या स्त्री का यहां पर स्वयं का कोई वजूद नहीं है पुरुष के बिना? उनके मन में यह बात इतनी घर कर गई कि उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। एक पत्रकार रहे हैं हैरी, विदेशी पत्रकार थे हैरी। राममोहन राय ने उनसे मुलाकात की और उनसे चर्चा की कि यहां पर मैं चाहता हूं कि सती प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त किया जाए। उन पत्रकार ने हमारे राममोहन राय को एक सलाह दी कि आप एक पत्र के माध्यम से यहां पर एक विचार रखिए कि एक व्यक्ति यह कहे कि यहां पर अगर सती होती है महिला, तो ऐसी स्थिति में हमारा धर्म, हमारा समाज उसके लिए क्या चाहता है, क्या फायदे हैं, और एक व्यक्ति जो यहां पर सती प्रथा का विरोध कर रहा हो, वो इसके बीच में क्या तर्क दे रहा है। अतः दोनों लोगों के संवादों को उन्होंने पेपर में छापा, जिससे उनका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ। राममोहन राय का अच्छा खासा विरोध हुआ। लेकिन इसी समय पर हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक का आगमन हुआ, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो आगमन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भी यहां पर इस प्रथा को देखा, और विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई, और इसके लिए 1829 में नियम नंबर 17 के तहत उन्होंने साफ कह दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला को सती करता है या सती करने में उसका सहायता करता है या उसको उकसाता है, तो ऐसी स्थिति में यह अपराध वैसे ही माना जाएगा जैसे किसी ने उसकी हत्या की हो। अतः इस अधिनियम के पास होने के साथ ही हमारे बहुत सारे धर्म के रक्षक जैसे राधाकांत देव, इन्होंने एक धर्म सभा बनाई थी, धर्म सभा, धर्म की रक्षा करने वाली सभा बनाई थी। उन्होंने यहां पर सती प्रथा अधिनियम का विरोध किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष बात रखी कि इस सती प्रथा को हम अपने धर्म के अंतर्गत मानते हैं, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, आप इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाए। और राममोहन राय को यह डर था कि इतनी बड़ी संख्या में अगर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएं और यहां पर इस हस्ताक्षर अभियान को ब्रिटिश क्राउन के समक्ष यदि प्रस्तुत किया गया तो शायद ब्रिटिश क्राउन झुक जाए, और इसीलिए कहते हैं कि राममोहन राय इस अधिनियम के बनने के बाद ब्रिटेन भी गए थे। लेकिन यह तो अच्छी बात है कि ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। फिर अतः
आप ये सोचिए थोड़ा सा एक बात और, हम थोड़ा आंकड़ा बताना चाहेंगे आपको कि सती प्रथा के केस अगर देखें, थोड़ा सा आंकड़ा देखिएगा कि 1802-3 से लेकर 1815 के बीच में सती प्रथा की बात करें तो यहां पर लगभग 400 का आंकड़ा था सती होने वाली, बंगाल में सिर्फ हम बात कर रहे हैं 400 समथिंग। और यदि 1815 से लेकर यदि बात की जाए 1829 तक की बात करें तो ये आंकड़ा 1815 से 1829 तक के आंकड़े में 800 से ज्यादा महिलाओं को सती किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि महिलाओं को सती किया गया और लोगों का दावा क्या था कि ये महिलाएं वो हैं जिन्होंने स्वेच्छा से सती हुई हैं। अब आप खुद सोचिए कि राम मोहन राय जबकि खुद गवाह थे कि जहां भी किसी महिला को सती होने की जानकारी मिलती थी राम मोहन राय खुद जाते थे और राम मोहन राय जब वहां पहुंचते तो महिला यहां पर उस शवदाह से उठ के चली आती थी, सावधान से उठ के चली आती थी कि मुझे बचा लीजिए। और वो महिला ऐसी नहीं, उस महिला को शराब पिलाई जाती थी सती होने से पहले कि वो महिला उठ के भाग ना आए। उस महिला को शराब पिलाई जाती थी, उसके ऊपर लकड़ियां रख दी जाती थी जिससे उठ के भाग ना सके। नहीं तो सोचिए आप कि आपको अगर थोड़ा सा भी अगरबत्ती लगाते समय पर जलन हो जाए ना, कितने दिन तक जलता है उस जलन की जो सिरहन होती है ना, वो जलन की सिरहन लंबे समय तक याद रहती है। और वो महिला यहां पर खुशी खुशी जल जाए, कैसे संभव है? ठीक है, यहां पर पवित्रता की बेड़ियां डालकर हम उस महिला को यहां पर स्वीकृति देने के लिए मजबूर जरूर कर सकते थे, लेकिन क्या उस महिला का जीवन वहीं समाप्त हो जाता था? यही क्रूति को राम मोहन राय ने दूर किया। लेकिन क्रूति राम मोहन राय ने दूर अवश्य करने का प्रयास किया, क्रूति बंद नहीं हुई। यह क्रूति हमारी लंबे समय तक चलती रही। यहां पर आप देखिए कि लंबे समय तक मतलब कि यहां पर स्वतंत्रता के बाद तक ये क्रूति चलती है। स्वतंत्रता के बाद हमारे यहां विवाह अधिनियम भी बन गया, हमारे यहां कई ऐसे अधिनियम बन गए, लेकिन सती प्रथा का जो विरोध था वो विरोध सती प्रथा को लेकर किसी ने इतना बढ़ चढ़ के नहीं किया कि हमें एक कठोर कानून बनाना पड़े। क्यों? क्योंकि 1986 में राजस्थान का एक केस था, 1986 में राजस्थान का एक केस क्या कि वहां पर एक लड़की का विवाह हुआ था 8 वर्ष की उम्र में, रूप कुंवर नाम था उसका। रूप कुंवर का 8 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था। जब वो 18 साल की थी तो उसका जो पति था उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके पति की मृत्यु के बाद हम बात कर रहे हैं 1986 की बात कर रहे हैं। 1986 में राजस्थान के केस में जब रूप कुंवर का पति की मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में रूप कुंवर को वहां के लोगों ने पति के साथ में जला दिया। अब देखिए इसका विरोध हुआ, नो डाउट विरोध हुआ, और सरकार ने लगभग 36 लोगों को इसके लिए यहां पर अपनी हिरासत में भी लिया। लेकिन सोचिए उनके तर्क क्या थे। अब तर्क की बात करें तो उनका कहना क्या था कि जो रूप कुंवर थी ये स्वेच्छा से जली है, क्योंकि तो जब उसको उसके पति के शव के साथ बिठाया गया था तो उसने अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखा था, बकायदा तैयार हुई थी बहू के जैसे, नई नवेली दुल्हन की तरह उसको तैयार वो तैयार हुई थी। एक हाथ उसने ऊपर उठाया था आशीर्वाद के रूप में, चेहरे पर मुस्कान थी, और उसके बाद में उसको यहां पर जब अधजली सी हुई थी तभी उसके बाद में उसके ऊपर घी डाला गया था। घी डाला गया का मतलब समझ रहे हैं आप कि जलती ज्वाला में घी डाल देंगे तो जल और ज्यादा जलेगी तेजी से, वो घी डाला गया। तो वो स्वेच्छा से मरी है, सती हुई है, और बाद में उसका मंदिर बना के उसकी पूजा करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ लोगों ने जो वहीं पर थे और कुछ लोगों ने आंखों देखी बात बताई, तो आंखों देखी बात में उन्होंने क्या बताया कि वो जो रूप कुंवर थी ना 18 साल की लड़की, जब उसको लोग बात कह रहे थे सती होने के लिए तो वो रोते हुए भाग कर एक कमरे में चली गई। थोड़ी देर में वो कमरे का द्वार खुला, और कमरे का द्वार जब खुला तो खुलने के बाद में देखा कि वो यहां पर किसी नशे में है, उसको कोई होश नहीं है, उसे दुल्हन की तरह सजी हुई थी। यहां पर पति के शव के पास में उसको बिठाया गया, बिठाने के साथ ही उसके ऊपर घी का लेप कर दिया गया, इसके साथ ही उसकी छाती पर लकड़ियां रख दी गई जिससे कि उठ के ना भाग पाए। वो रोए जा रही थी वो, लेकिन सोचिए वहां पर खड़े हुए लोगों के दिल पसीज नहीं रहे थे,
वो सिर्फ सती माता की जय के नारे भर लगा रहे थे। और रोती बिलखती लड़की, 18 साल की मासूम लड़की को जला दिया गया। बाद में उसका मंदिर बना दिया गया, और बाद में मंदिर बनने के बाद में यहां पर हमेशा हर साल उस पर जश्न मनाए जाते थे। 2020 के आंकड़े की बात करें तो लगभग 2020 तक की बात की जाए तो 250 ऐसे मंदिर थे, 250 ऐसे मंदिर थे जो सती मंदिर कहलाते थे। सोचिए, वहां जश्न मनाया जाता था, और जश्न मनाने का मतलब क्या था कि उन महिलाओं को जो विधवाएं हो गई हैं उनको सती होने की बात को प्रेरित किया जाए। अभी तो ठीक है, अगर अधूरी कहानी की बात करें, सती 1987 का जो यहां पर बात करें तो इस घटनाक्रम के बाद, इस केस के बाद यहां पर अधिनियम बनाया गया 1987 में। और 1987 में जो अधिनियम बनाया गया, तो आप सोचिए कि राजस्थान के एक मंत्री थे, उन राजस्थान के मंत्री ने इस सती प्रथा अधिनियम का अच्छा खासा विरोध किया। क्यों? क्योंकि वहां पर सती माता का मंदिर था। अब आर्थिक रूप से देखिए, आर्थिक रूप से उन्होंने क्या बेनिफिट उठाया कि यहां पर महिला सती हो गई, उसका मंदिर बनाया और उसको देवी का रूप दिया, और हर साल वहां मेला लगता है, और हर साल मेला लगकर उसका आर्थिक उपार्जन किया जाता है। तो लोगों ने महिला के सती होने यानी महिला के जीवन को यहां पर अर्थ कमाने का एक माध्यम बना लिया। उन्होंने वहां भी उसको नहीं छोड़ा कि अर्थ मरी हुई महिला का कैसे, एक विधवा महिला का, उसके जीवन के त्याग का, बलिदान का, अर्थ पूर्ति का कैसे माध्यम बना लिया। यहां पर यह घटनाक्रम किया गया, जबकि 1987 के अधिनियम में कहा गया था कि यहां पर किसी प्रकार का सती होने के बाद में ना तो कोई जश्न मनाया जाएगा ना चाहिए, और ऐसे ऐसे स्थानों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी चलते रहे। हमारे अधिनियम में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला को सती होने का प्रेशर बनाता है, सती होने के लिए बाध्य करता है, यहां पर उसको उकसाता है या सहयोग करता है, तो उसकी सजा क्या? या 1 साल की सजा। प्रेशर बनाने इन सब चीजों के लिए क्या बोला गया? 1 से 7 साल की सजा है, या 1,000 रुपए जुर्माना। इतनी कम कीमत, इतनी कम सजा किसी महिला के को सती करने के लिए उकसाने पर, आप खुद समझ सकते हैं यह प्रथा कितनी क्रूति भरी प्रथा थी। और 1987-1986 में ही समाप्त नहीं हुई है। एक जानकारी मिलती है कि 2008 में छत्तीसगढ़ में, 2008 छत्तीसगढ़ में एक महिला थी, उस महिला का नाम था यहां पर लालमती। लालमती नाम की जो महिला थी, 71 वर्ष की महिला। अब अलग बात है ये कि अलग अलग हमें इसकी कहानी मिलती है कि उसका जो पति था, उसका पति जब मर गया तो ये महिला यहां पर दुल्हन के रूप में सजकर अपने पति का शव के पास पहुंची थी, जहां उसका दाह संस्कार होने वाला था। वहां पहुंची, जब उसके पति का शव जल रहा था, अधजला शव हुआ, तो लोग बाग वहां से निकलने लगे, तभी वो महिला उसमें कूद गई और मर गई। कुछ लोगों का कहना है कि उस स्वेच्छा से कूदी, और कुछ लोगों कहना है कि शायद किसी ने उसको धक्का दिया है। जो भी है, लेकिन आप सोचिए कि 2008 की हम यहां बात कर 1829 और कहां 2008। 2008 में भी हमें यह मामला देखने को मिला कि अगर वो स्वेच्छा से मरी, तो पहली बात तो हमारे उसमें कहा जाता कि महिलाएं अपने, कहना चाहिए कि शव यात्रा में शामिल नहीं होती हैं। महिलाएं यहां पर शमशान तक नहीं जाती हैं। फिर वो महिला दुल्हन के बेस में शमशान तक पहुंची कैसे? पहुंची भी तो उस महिला को यहां पर इतने वियोग में है, तो उसको साथ लेके क्यों नहीं चले लो? कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं इस पे, और कई प्रश्न आपके सामने भी है कि आखिर ये क्रूरता है क्या? हमने महिलाओं को यहां पर सिर्फ एक, कह सकते हैं कि समाज की एक ऐसी आवश्यकता के रूप में ही सिर्फ मान के रखा है, जो सिर्फ यहां पर पुरुष प्रधान समाज की वर्चस्वता को बना के रखा जाए। पुरुषों की वर्चस्वता पुरुषों पर तो दिखाई नहीं देगी, पुरुषों की वर्चस्वता हमेशा महिला के ऊपर ही दिखाई देती है। तो महिलाएं यहां पर उस वर्चस्वता को सहन करती हुई चली जा रही हैं, और जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं, उन सभी चीजों का यहां पर सिर्फ मुंह बंद करके यहां पर उनको, कह सकते हैं कि स्वीकार करते हुए चली जा रही हैं, या झेलती हुई चली जा रही हैं। हम एक शब्द का उपयोग करेंगे, वो झेलती हुई चली जा रही हैं। अब
समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उससे भी एक बात है कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग यदि चाहता है कि महिलाओं को इस प्रकार की कुरीतियां ना झेलना पड़े तो उन्हें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उन सभी कानून व्यवस्थाओं की जानकारी देनी होगी। महिलाओं को भी यहां पर शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि एक बात उतना यह भी सत्य है कि ठीक है पुरुष यहां पर अत्याचार करता है, लेकिन अत्याचार उसी पर होता है जो सहता ज्यादा है। तो कहा जाए कि महिलाओं को अगर इस प्रकार के अत्याचार से ऊपर उभरना है तो उन्हें सहना बंद करना होगा, उन्हें अपनी आवाज स्वयं बननी होगी। यहां पर इस स्टोरी के माध्यम से सिर्फ कहने का आधार यही था कि ऐसी कुरीतियों को लेकर आज भी समाज 2008 तक चला जा रहा है। आज हमारी सरकार के कुछ मंत्री ऐसे थे जिन्होंने यहां पर इस प्रथा को बंद करने का विरोध भी किया। झुंझुनू क्षेत्र के एक मंत्री रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, झुंझुनू क्षेत्र के राजस्थान में मंत्री रहे हैं जिनके क्षेत्र में सती मंदिर है और सती मंदिर का मेला एक बढ़ चढ़ के मेला लगता है, और यहां पर अगर वो प्रथा बंद हो जाती तो उनकी आय का जरिया खत्म हो जाता। ऐसे मंत्री लोग भी इस प्रथा के कहना चाहिए कि समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो आज का समाज फिर किसके पर भरोसा करे, जाहिर रक्षक भी हमारे इस प्रकार के यहां पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं प्रथाओं के विरोध में, तो हम किस पे बात करें। तो सभी लोगों को हम यही कहेंगे कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए, महिलाओं को अपने सम्मान के साथ साथ बात की जाए तो महिलाओं को अपने कर्तव्य अपने अधिकारों के लिए आगे स्वयं बढ़ना पड़ेगा। महिलाएं सिर्फ एक समाज का एक ऐसा अंग नहीं है जो पुरुषों के लिए ही बनी है, समाज का वो अंग है जो दो पहिए, यानी कह सकते हैं कि समाज के दो पहिए एक पुरुष एक महिला, अगर उसमें से कोई भी एक पहिया खराब होता है या कोई पहिया ऐसा होता है जो सही से नहीं चल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारी समाज रूपी गाड़ी कभी भी विकास के पथ पर नहीं चल सकती। तो सभी लोगों को फिर से वही सारी चीजें कि शिक्षित हो जाइए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाइए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।